राम राम, राम राम, जय हिंद। देखो, सर्दियों में जब तुम रनिंग करते हो तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं सर्दियों में, खासकर जब भी तुम रनिंग करते हो। ठीक है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की लिस्ट में अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। बहुत सारे वीडियोस में हमने बार बार बात करी है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम्हें कंज्यूम करनी ही चाहिए, बहुत मदद करती है तुम्हारी। ठीक है, तो ये है अश्वगंधा। ठीक, अब ये अश्वगंधा सर्दियों में कितना किफ़ायती है, कितना तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमने ये अभी पतंजलि का दिखाया, तुम किसी भी ब्रांड का अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सेम चीज़ है, पर्सनल ट्रेनिंग की 600 रुपये फीस है, स्टेमिना बूस्टर के लिए 1250 रुपये फीस है। जो भी प्लान चाहिए इस नंबर पे पेमेंट कर देना, जो कि है 7268801578। ठीक है, इसी नंबर पे अपना एड्रेस भी सेंड कर देना। और जो हम स्टेमिना बूस्टर बनाते हैं ना, जो उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मिलेगा वो मिलेगा अश्वगंधा। ठीक है, क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके तुम्हें साइड इफेक्ट जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब मिलते ही नहीं साइड इफेक्ट। अगर तुम ऐसा नहीं कि एक एक डब्बा एक बार में खा लिए तब तो बात अलग है, वरना अगर तुम मतलब देखोगे कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते लगभग। तो हम अगर इसकी बात करें अश्वगंधा की, तो देखो सर्दियों में क्या होता है कि ये जो जितनी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं थोड़े से गर्म होते हैं, तो गर्मियों में थोड़ी सी हमें कभी कभी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम सर्दियों में अश्वगंधा यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। अश्वगंधा जो होता है क्या होता है, बॉडी को, जो तुम्हारी बॉडी है इसको अंदर से गर्म रखता है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी तुम रनिंग करने जाते हो तो जो सर्दी लगने की दिक्कत है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है तो सर्दी लगने की दिक्कत है, या फिर हम ये कहें कि हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्टेमिना हमारा नहीं बन रहा, किसी भी एस्पेक्ट में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है, हर जगह अश्वगंधा काम आता है, हर जगह अश्वगंधा काम आता है। इसलिए हम ये कहेंगे, और हम टेबलेट वाले अश्वगंधा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाउडर वाले की बात कर रहे हैं, कि आधा चम्मच अगर अश्वगंधा तुम रात में सोने से पहले दूध के साथ ले लेते हो, तो यकीन मानो सुबह जब रनिंग करने जाओगे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब सुबह रनिंग करने जाओगे तो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, जब भी तुम रनिंग करने जाते हो सुबह खासकर। ठीक है, 1 मिनट। तो जब तुम सुबह रनिंग करने जाओगे तो ये जो अश्वगंधा तुम ले रहे हो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब जब तुम इसको लेते हो और सुबह रनिंग करने जाते हो, तो उससे क्या होता है, सबसे पहली बात, जब तुम सुबह उठते हो तो पेट साफ होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को है ना दिक्कत कि भैया पेट साफ़ नहीं होता, तो सुबह तुम्हें पेट साफ करने में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म। दूसरी चीज़, जो नींद अच्छी नहीं आती क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाता है बॉडी का, तो वो स्ट्रेस लेवल कम कर देता है अश्वगंधा। ठीक है, तीसरी चीज़, जब तुम सुबह उठते हो तो जो स्ट्रेंथ और एनर्जी नहीं मिलती ना सुबह सुबह, स्ट्रेंथ और एनर्जी जो सुबह सुबह नहीं मिलती है, वो स्ट्रेंथ और एनर्जी वापस से लाने की कोशिश होती है अश्वगंधा जब आप पीते हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अश्वगंधा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अश्वगंधा एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जिसको कि आप 12 महीने खा सकते हो, लेकिन सर्दियों में इसके इफेक्ट थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं, और 100 रुपये के अंदर आ जाता है पहली बात तो ये, और 15 से 20 दिन चल जाता है आराम से। तो अश्वगंधा जरूर ले लो दूध के साथ रात में सोने के पहले, जितने लोग भी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और समझ लेना कि जो लोग स्टेमिना बूस्टर ले रहे हैं वो किसी भी तरीके का दूसरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑलरेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।